सोलन मशरूम सिटी के नाम से समूचे विश्व में जानी जाती है, लेकिन जब पर्यटक सोलन घूमने आते हैं तो उन्हें मशरूम कहीं भी देखने को नहीं मिलते। मशरूम सिटी के नाम को सार्थक करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत अब सोलन के चौक पर ही एक बड़ा मशरूम नजर आएगा, जिसे सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे आज खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सोलन की जनता को समर्पित करेंगे। इस चौक से सोलन मशरूम सिटी को अलग से एक पहचान मिलेगी। इस चौक को भी मशरूम चौक के नाम से जाना जा सकेगा। हिमाचल के पूर्ण राजस्व दिवस पर सोलन वासियों को अनूठा उपहार मिलने जा रहा है। ये बात लोक निर्माण अधिशासी अभियंता अरविंदर शर्मा ने मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि सोलन के पुराने DC ऑफिस चौक पर मशरूम नुमा पुलिस घुमटी बनाई जा रही है, जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनेगी और चौक को एक नई पहचान भी देगी। इस मशरूम चौक को आज मंत्री द्वारा लोगों को समर्पित किया जाएगा। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको विदित है कि 50 वर्ष स्टेटहुड के इस वर्ष हिमाचल प्रदेश मना रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर जिले में कुछ नया करने के आदेश हुए हैं। तो एक दिन DC ऑफिस में DC महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि सोलन को मशरूम सिटी बोलते हैं, तो सोलन की पहचान मशरूम सिटी के तौर पे है, तो यहाँ की कोई विशेषता क्या हो सकती है? तो कि किसी एक चौक पे जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे मशरूम नुमा छत बनाई जाए। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और 50वें वर्ष को कमेमोरेट करते हुए एक पुलिस चेक पोस्ट पे पुलिस पोस्ट मशरूम नुमा छत की पुलिस पोस्ट बनाई जा रही है। आज कार्य चला हुआ है और कल सुबह इसका माननीय मंत्री महोदय जो यहाँ प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं स्टेट फंक्शन पे, कल सवेरे फंक्शन पर उनसे इसका अनावरण भी किया जाएगा।